वैसे सफर की शुरुआत हुई थी कामाख्या रेलवे स्टेशन से, जहां हम लोगों ने कामाख्या से आनंद विहार के बीच चलने वाली ब्रह्मपुत्र मेल में अपने सफर को शुरू किया था। जर्नी काफी कमाल की थी। रास्ते में हमें सरई घाट का पुल देखने को मिला है, जो कि महाविशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ एक रेल कम रोड ब्रिज है। इसी के साथ साथ हम लोग इस सफर में आगे की ओर बढ़े, खूबसूरत सी शाम ढली, बहुत सारी नदियां देखी, नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किया। अब बारी है अगले दिन के। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने एक ऐसे रेलवे स्टेशन को पार किया था जो एक नदी के ऊपर बना है। अब आज का जो सफर है अब भागलपुर से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि इस जर्नी के दौरान क्या क्या चीजें हुई थी, क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मजा बहुत आने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की हाइलाइट्स को थोड़ा एंजॉय कीजिए। हेल्दी चीज सबको पसंद होती है, कहाँ मिलेगा तो किसे नहीं चाहिए। यहाँ पे जो चढ़ते हैं ना वेंडर्स, यहाँ पे कानपुर के आउटर में कोई भरोसा नहीं उनका। जैसे ये भी फूड वेंडर ही है, बढ़िया घिसते हुए चले जा रहे हैं उसमें, तो इनका कोई भी भरोसा नहीं होता। देखो बिल्कुल आईआर सीरीज की ड्रेस में ऑर्डर लेने के आएंगे। बिगेस्ट फूड स्कैम होता है यहाँ पे डीडीयू में। आउटर जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र मेल में, जिसमें हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी कामाख्या से और इसमें दिल्ली तक ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन आज इस जर्नी का पार्ट टू, जहां हम लोग भागलपुर से इस जर्नी को शुरू करते हुए क्यूल होते हुए निकलेंगे पटना, पटना से दीनदयाल उपाध्याय होते हुए कानपुर के रास्ते पहुँचेंगे कल सुबह तक दिल्ली। तो आज इस जर्नी का पार्ट टू है, जहाँ पर आप लोग पूरी ये जो जर्नी है बची हुई ये देखने वाले हो। पार्ट होने काफ़ी मज़ा आया था, हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर किया था, वहाँ का खाना पीना एक्सप्लोर किया था, और यहाँ तक का जो सफ़र है ये आपने मेरे साथ देखा था, जिसमें हम लोगों ने बड़े बड़े स्टेशन नॉर्थ ईस्ट के सारे कवर किए थे। जैसे बात की जाए न्यू बोंगाईगांव हो गया, कुछ बिहार हो गया, न्यू जलपाईगुड़ी हो गया और रंगिया हो गया, सभी स्टेशन मैंने दिखाए हैं। बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी होती हैं, जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं या जो लोग नॉर्थ ईस्ट घूमने गए हैं या जो लोग नॉर्थ ईस्ट हैं, तो बहुत सारे लोगों की यादें जो हैं वो जुड़ी होती हैं। बाकी भागलपुर द सिल सिटी ऑफ इंडिया और इसे कहा जाता है, और साथ साथ बिहार की थर्ड पॉपुलर सिटी है। यहाँ से रूट्स भी बहुत सारे गए हुए हैं, देवगढ़ वाली लाइन गई हुई है, रामपुर हट वाली लाइन गई हुई है, साथ साथ दुमका वाली लाइन गई हुई है। इतना ही नहीं, एक लाइन और गई है, मैंने आप लोगों को पार्ट वन में बताया था। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है वो कौन सी लाइन है। बाकी जब यहाँ से डिपार्चर होगा मटन का वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ आते 817 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय कर ली थी। सुबह 7:28 से 7:38 ट्रेन का यहाँ पर अराइवल डिपार्चर टाइम है, 10 ही मिनट का हॉल्ट दिया गया है। इसके बाद हम लोग जमालपुर वाले रास्ते जाएंगे। आज आप लोग जो बिहार का थोड़ा बहुत खाना पीना वो देखोगे, और साथ साथ आज के इस रूट को रिव्यू देखोगे, और ट्रेन कितना भरती है यहाँ से वो देखोगे, क्योंकि फिलहाल तो ट्रेन यहाँ से काफ़ी खाली खाली सी लग रही है। आगे देखते हैं ट्रेन कितना पैक होने वाली है आज।
है ट्रेन, उसके बाद देखता हूँ मैं भी हर सीटिंग पे जाके बाहर से आके पैसेंजर लोकल पैसेंजर बैठ रहे, ट्रैवल कर रहे, कोई मतलब ही नहीं है। अभी मेरी सीट पे भी दो लेडीज़ जाके बैठी थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई, चलो ठीक है लेडीज़ है, एक प्रायोरिटी होती है। तो अभी ये क्या मतलब है कि मतलब आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कर रहे हो, उसके बाद आप लोकल पैसेंजर आकर आराम से बैठ रहे, कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से अपने पैर रख के ऊपर आराम से सीटों बैठे गए, मैंने तो उठा लिया। तो ये बिहार में आए तो आप ये चीज़ नोटिस करिए। वाली चाय ली है, कुल्हड़ वाली चाय बोलते हैं जिसको, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो आप भी इस रूट पे मे भी ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रेट है। इस रूट पे मिलेगी आपको पटना तक कैसे मिल सकती है, कुल्हड़ वाली चाय मिल जाती है, 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ की देते हैं कुल्हड़ में, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल रिकमेंड करना कभी भी इस रूट पर ट्रैवल करो। तरफ खगड़िया वाली लाइन भी मर्ज हो रही है यहाँ पे हमसे, और वो दिखा पाना मुश्किल है, बीच में लगेज काफी ज्यादा है। जमालपुर हम लोग पहुंच रहे हैं। कि जमालपुर से रूट्स की बात की जाए तो खगड़िया बेगूसराय वाली लाइन यहाँ से गई हुई है, साथ ही मुंगेर वाली लाइन भी मैंने आप लोग को दिखाई। जमालपुर एक इतना इम्पोर्टेंट शहर है, क्या बताऊँ आपको, ये यहाँ पे आपको एशिया का सबसे बड़ा लोकोमोटिव वर्कशॉप देखने को मिलेगा जमालपुर का। 25,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉई है यहाँ पे, इसीलिए फेमस है, ये एशिया का लार्जेस्ट वर्कशॉप है यहाँ पे। साथ साथ यहाँ पे रेलवेज के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं उनका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी है, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो रेलवे के हिसाब से बहुत बढ़ जाती है। जंक्शन तो है ही है, साथ में ट्विन सिटी भी है मुंगेर के साथ साथ, और स्टेशन जो है काफ़ी साफ सुथरा सा बना है, काफ़ी बड़ा सा स्पेशियस से बना है। पीछे स्टॉल से आगे स्टॉल से है नहीं खाने पीने के, दिखाएंगे क्यूल जंक्शन होते हुए हम लोग पटना की ओर बढ़ने वाले हैं। अब सीधा अगला स्टॉप हमारा क्यूल होने वाला है यहाँ तक। एकदम ताज़ा ताज़ा पेड़ा यहाँ पे आया भैया बता रहे हैं, तो ये ले लिया जाए, चार दे दो, चार पीस निकाल दो।
यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम था 10:42 का, और ट्रेन अराइवल हुई है 10:10 पे, और 10:05 मिनट का स्टॉपेज है, तो यहाँ 40 मिनट ट्रेन स्टे करेगी, उसके बाद ही डिपार्ट होगी। पूरा सिस्टम, पूरा बिस्तर वगैरह, अपने एसी कोच में देखिए, ये एसी ब्लोअर है, इसमें से पूरे में पानी डिप 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 कर रहा है पूरे में, और इधर भी ये साइड अपर बर्थ है, इसमें भी यही हाल है। भाई क्या गजब की गर्मी हो गई है, लू जैसी चल रही है, भयंकर गर्मी एकदम, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है। अगर आप एसी में रहो फिर बाहर आओ फिर एसी में जाओ, ऐसे अगर आप अंदर बाहर करते रहोगे तो तबीयत ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नदी तो पूरी सूखी हुई है, गाड़ी बहुत धीरे रफ्तार पार हो रही है, पर सामने एक गुड्स ट्रेन आ रही है, वो तो आपको दिखा सकते हैं। होती आ जाता है यहाँ पे लखीसराय जंक्शन, देख लो आप लोग, मार्केट लगा हुआ है बढ़िया फल फूल का। भाई इस जगह रुकती है हमारी ट्रेन तो ज़्यादा फायदा होता है, खाने पीने की बढ़िया चीज़ें यहीं मिल जाती हैं, यहीं से ले लेते हैं हम लोग, ट्रेन का खाना नहीं खरीदना पड़ता। लखीसराय से अपनी गाड़ी ने जो एक्सेलरेट करना यहाँ पे शुरू किया है, गया वाली लाइन जो है वो अलग होती है, हम लोग सीधा अभी पटना वाली लाइन पे पढ़ रहे हैं। बहुत गंदी गर्मी है यार। कुलेन जंक्शन से पेड़ लिए थे, टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है। काफी अच्छा है, आप कभी भी आए तो उसका रिकमेंड कर सकते हो। कंट्री का बना हुआ अपना खाना आ गया है, और आज बोलने से ये कंटेनर में दिया है, अलग अलग कंटेनर है, दाल का चावल का मैं दिखा देता हूँ, और दो चपाती दीजिए, आज स्वीट्स नहीं था तो उन्होंने ऑनियन दे दी है। टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं कैसा खाना है। दाल का टेस्ट थोड़ा हल्का है, सब्जी और टेस्ट करते हैं। सब्जी ठीक है,
गर्म लू में हमारी ट्रेन जो है राजेंद्र नगर टर्मिनस को स्किप कर रही है। कैपिटल एक्सप्रेस कैपिटल के रेट भी यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि NJP भी जाती है और आगे भी उसका एक रूट है। सप्ताह में कुछ दिन ट्रेन NJP जाती है, कुछ दिन कामाख्या जाती है और यहाँ मुझे हमारी ट्रेन रुक ना जाए कहीं राजेंद्र नगर टर्मिनस, इस हिसाब से स्लो डाउन हुई है। LTT भागलपुर की भीड़ देख करके तो मैं क्या ही बताऊँ, रोंगटे खड़े हो गए। स्लीपर का हाल देखते हैं, चलो गाड़ी का। AC में भी लोग भरे हुए हैं भयंकर, AC को भी नहीं छोड़ा है। अच्छा, हमारी गाड़ी का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है यहाँ पे। भाई ये आप लोग मत करना यार, भयंकर गर्मी, इतनी भीड़ और क्या बताएं यार, खतरों के खिलाड़ी बने हुए लोग। हवाई ट्रेन जो है वो पैक होना यहाँ से शुरू हो चुकी है, भयंकर यहाँ पे रश जो है ट्रेन में चढ़ रहा है। AC कोच में फिलहाल तो कोई चढ़ता नहीं देखा, पर चढ़ेंगे। भयंकर से जाने वाले रूट्स की बात की जाए तो आप यहाँ से गया की ओर बढ़ सकते हो, आसनसोल की ओर बढ़ सकते हो, सोनपुर हाजीपुर वाली लाइन पे जा सकते हो। हम लोग आ रहे हैं जिस रूट से, तो आप देख ही रहे हो, हावड़ा लाइन है, भागलपुर लाइन है, साथ साथ बरौनी वाली लाइन भी आगे मोकामा के आसपास कट जाती है। बाकी हम लोग बढ़ने वाले हैं आरा होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर। 12:40 से 50 के यहाँ पर अराइवल डिपार्चर टाइम था, पर ट्रेन यहाँ पर थोड़ा लेट हो गई आते आते। अभी तक तो बिफोर चल रही थी, रास्ते बहुत रोक रोक के लाया गया, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है पटना स्टेशन के जस्ट बाहर, वहाँ भी आप दर्शन के लिए जा सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है। बिहार की राजधानी यार, सुविधाओं की कोई कमी नहीं यहाँ पे। स्टेशन में भी ऑनलाइन खाना वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हो ट्रेन में, IRCTC से अगर आपको खाने की जरूरत है तो। बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। भीड़ हो रही है, ये भी हमारे कोच में भी ज़्यादा पैसेंजर, लोकल पैसेंजर चढ़ेंगे। स्टेशन में बहुत सी सभी चीज़ अवेलेबल है, लेकिन गर्मी बहुत बेबरदास्त हो रही है। पहुंच रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और जंक्शन से पहले आपको ये देखने को मिलेगा, और एशिया का सबसे बड़ा गूड्स मार्शलिंग यार्ड भी है यहाँ पर, तो एक बड़ा सा गूड्स मार्शलिंग यार्ड भी देखने को मिलेगा। समस्तीपुर का एल्को भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, बाकी दीनदयाल उपाध्याय के लोकोमोटिव तो आपको खूब सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को बता दूं, दीनदयाल उपाध्याय के आउटर से ही बहुत सारे फूड वेंडर्स चढ़ते हैं, तो आपसे खाने का ऑर्डर लेने आएंगे, आपको कभी भी यहाँ से ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि इतना लो क्वालिटी का खाना आपको यहाँ सर्व किया जाएगा मनमाने रेट से, जिसकी आप कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते, वेंडर की कोई पहचान नहीं। सारे के सारे यहाँ पे आउटर से ही चढ़ते हैं ऑर्डर लेकर के, अंदर आके आपसे प्रॉपरली IRCTC के कपड़ों का ऑर्डर लेंगे। सीरियसली बोल रहा हूँ, जिस अगर आप इस ट्रेन में या किसी भी ट्रेन में, अपनी ट्रेन के पेंट्री स्टाफ जो आपके कोच में सर्व कर रहे हैं, शकल देख करके उसी से लोग कम से कम शिकायत तो आप कर सकते हो कोई दिक्कत होने से, खाने का क्वालिटी एटलीस्ट रहेगा। यहाँ पे जो चढ़ते हैं ना वेंडर्स, यहाँ पे कानपुर के आउटर में
कोई भरोसा नहीं उनका, जैसे ये भी फूड वेंडर ही हैं, बढ़िया घिसते हुए चले जा रहे हैं उसमें, तो इनका कोई भी भरोसा नहीं होता है। देखो बिल्कुल आई आर सी टी सी की ड्रेस में ऑर्डर लेने के लिए आएंगे। बिगेस्ट फूड स्कैम होता है यहाँ पे डीडीयू में। आउट तो फलों की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। एक लखनऊ में और एक मैंने दीनदयाल उपाध्याय में कभी भी फलों की कमी नहीं देखी स्टेशन में। तो अभी यहाँ पे हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच गए हैं। खाने पीने की सुविधाएं तो आप लोगों ने देखी क्या बेहतरीन है, दही लस्सी है सभी चीजें, पराग का यहाँ पे काउंटर है वहां से मिल जाएंगी। खाने पीने का जो वेंडर का स्कैम मैंने आपको बताया उससे सच में आपको बच के रहना है। जो भी ऑर्डर्स लेने आते हैं नहीं, अपनी ट्रेन से खाना खाओ या तो ऑनलाइन ई कैटरिंग से ऑर्डर करो, उसी पे भरोसा करो, जिसकी शक्ल पहचानते हो उसी से खाना खाओ। सीधी बात बता रहा हूँ, वरना कि ये चीज़ है कि यहाँ से आपको रूट की बात की जाए तो हावड़ा वाली जो लाइन है सीधा यहाँ से तेज लाइन, सारा राजधानी गैंग यहीं से होकर गुजरता है, वो मिल जाएगा। हर जगह के लिए गाड़ी है। सीधा अगर स्ट्रेट रूट की बात की जाए तो प्रयागराज हम लोग पहुँचने वाले हैं, बनारस बिल्कुल बगल में, बनारस ले भी लाइन गई हुई है। अगर आप लोग को जाना है वाराणसी बनारस और आपकी ट्रेन वहाँ नहीं जाती है वाराणसी स्टेशन, तो आप यहीं उतर के आराम से ऑटो ऑटो लेकर के 200-250 रुपये में वहाँ पहुँच सकते हो। बीच में अपना रेल का रोड भी जाता है, बहुत बार मैंने कवर करके दिखाया है। ट्रेन यहाँ पे आज की है 4:25 के आसपास, 4:35 से 4:45 अच्छा खासा हॉल टाइम ट्रेन को यहाँ दिया गया था। बढ़िया समय से आज की, बहुत हमारे पास समय अभी आप लोग से बात करने का, लेकिन डिपार्चर में मिलेंगे। बाकी बातें बहुत देर ना रुकते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय से बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन निकल चुकी है, कोई डिले नहीं आज यहाँ पे। और सामने खड़ी है पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। खैर पुरुषोत्तम जो है वो सुपर फास्ट ट्रेन है, लेकिन फिर भी हम लोग दिल्ली तक उसके आगे आगे ही रहने वाले हैं। आधे घंटे का गैप है दोनों के शेड्यूल में दिल्ली तक, तो भाई हम बिना बात के नॉन सुपर फास्ट का पैसा देकर के सुपर फास्ट से जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ब्रह्मपुत्र मेल निकल जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी, और आगे का जो सफ़र है ये और भी रोमांचक हो गया। स्टेशन से सूट के चौपन का स्किप वगैरह, और साथ साथ मिर्ज़ापुर का अराइवल, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पार्ट टू में देखने को मिलेगी। और एक मेन चीज़ है कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने हमें काफ़ी गजब का चेज़ किया था और बहुत ही मस्त ओवरटेक किया है यहाँ पे। तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हमें देखने को मिली, ये हमें ओवरटेक भी करेगी दिल्ली से पहले, कहाँ करेगी, कैसे क्या चीज़ होने वाली है, यह आपको इस जर्नी के पार्ट टू में देखने को मिलेगा। पार्ट टू तो नहीं, पार्ट थ्री आप कह सकते हो, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और ये एक घंटे का बनने वाला था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए ताकि आप लोग भी सीरीज़ को एंजॉय कर सको। लेकिन डी का इस जर्नी में मेरे साथ ऐसे ही ऑल इंडिया की रेल फाइनिंग एंड ट्रेन जर्नीज को एंजॉय करते रहिए, ऐसे आप लोग के लिए बहुत सारे खूबसूरत रूट्स को हर मौसम में कवर करके लेकर आता रहूँगा। मिलेंगे इस जर्नी के पार्ट टू में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।